हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। होम शेफ फ्रेश मकान में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा। इतना मज़ेदार और टेस्टी सा बनता है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून घी। मैंने देसी घी लिया है। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा कर कर घी डालना है, पूरा एकदम नहीं डालना है। तो 2 टेबल स्पून घी गर्म होने के बाद मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 किलो गाजर। अच्छे से कद्दूकस कर लिया है धोकर। देखिए, अब हम इसमें कढ़ाई में गाजर को डालेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए हमारे गाजर। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ, सबसे पहले आपको नज़र आए। तो देखिए, अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। बहुत ही झटपट सा बनता है। चलिए, हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट लिए छोड़ देंगे और फिर एक बार इसको अच्छे से भून लेना है। ये अच्छे से भूनने से ही सॉफ्ट हो जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 लीटर जितना दूध। पहले 1 गिलास डाल लिया है हमने। इसको दूध में ही पकाना है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। देखिए, 1 और ग्लास हम डालेंगे। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, आप भी इसी तरह से बनाइएगा। और दूध डालने के बाद इसको भी अच्छे से पका लेंगे। दूध में ही इसको अच्छे से पका लेना है। बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करके हम ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में आप इसको चलाना है, ऐसे निकाल कर अच्छे से हिला देंगे। देखिए, हिलाने के बाद फिर इसको पूरा दूध सूखने तक हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और फिर ढक्कन लगाकर फिर इसको छोड़ेंगे। हमारा ऑलमोस्ट गाजर गल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार है। आपको धीमी आंच पे पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही जल्द। देखिए, अब हम इसमें काजू, बादाम और किशमिश डाला है। अभी ऐड करना है, वो उसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार आएगा। और इसमें क्रश किए हुए इलायची डाली है मैंने, 2 दरदरा कूट कर डालेंगे। और पूरा दूध पूरा सूखने तक अच्छे से इसको पका लेंगे। जो गाजर का कलर है, हम चीनी डालने से बाद में वो आ जाएगा। अच्छे से भुनाई करके इसको ढककर, देखिए पूरा दूध हमने पूरा गाजर के इसमें पका लिया है। इसको इस स्टेज पर हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम तकरीबन 1 कप के लिए लिया है। सबसे पहले तो 1 स्पून घी डालेंगे, फिर डालेंगे चीनी। 1 कटोरी चीनी ली है मैंने। आप जितना मीठा खाना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मैंने थोड़ी बचा ली है, ये मिक्स होने के बाद फिर उसको भी ऐड करूंगी मैं। मैंने परफेक्ट मेजरमेंट से बनाया है, इसी तरह बनाइएगा। चलिए, इसको भी हम डालकर अच्छे से पका लेंगे चीनी में। देखिए, बुनाई करते करते वो कलर गाजर का आ चुका है। तो आप चाहे तो आर्टिफिशियल कलर भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ ज़्यादातर। तो चलिए, इसको ढक्कन लगाकर अच्छे से चीनी में पका लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर, कितना सॉफ्ट बनकर हमारा गाजर का हलवा कितना जल्द तैयार हुआ है। इसी तरह से बनाकर खाइएगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसको अच्छे से साइड से घी निकलने तक अच्छे से भून लेंगे हम इसको।
तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मेरे भुनाई करते करते। अब हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालकर छोड़ेंगे। पहले डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, 1 और स्पून डाला है मैंने। लास्ट में घी डालिएगा, बहुत ही साइड से घी बहुत ही बढ़िया सा लगता है। चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर हम ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे ताकि घी का फ्लेवर फिर आ जाए। चलिए अच्छे से भून लिया है हमने। अब डालेंगे हम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे और थोड़े गार्निशिंग के लिए बचा लेके रख लेंगे। चलिए ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है बनकर। देखिए कितना बढ़िया सा टेक्सचर आया है, तो इसी तरह बनाइएगा। चलिए गैस को कर देंगे बंद, सर्व करेंगे। हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। इसी तरह से इजी रेसिपीज़, बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ आपको देखने मिलेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।